कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर कई अफवाहें सुनी होंगी। बायो वेपन से लेकर चीन की चाल तक सब कुछ देखने और सुनने को मिला है, लेकिन राजस्थान तक आज आपको कोरोना के बारे में कई ऐसे तथ्य बताने वाला है जिनको नजरअंदाज करने के कारण मानव जाति एक बार फिर संकट में आ गई है। सालों पहले लग चुका था कोरोना का पता। कहा जा रहा है कोरोना वायरस का पता चीन और अमेरिका को सालों पहले लग गया था, जब दोनों देशों सहित दुनिया के करीब 31 देशों ने दुनिया भर के खतरनाक वायरसों की खोज के लिए एक मिशन शुरू किया था। 31 देश मिलकर ऐसे वायरसों की खोज में लगे थे जो जानवरों से इंसानों में आ सकते थे या आ रहे हैं। ऐसे हजारों वैज्ञानिकों को चकमा दिया कोरोना ने। अमेरिका चीन समेत 31 देशों के वैज्ञानिक इन वायरसों से होने वाली बीमारियों का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इतने देशों और हजारों वैज्ञानिकों की टीम को कोरोना वायरस ने धोखा दे दिया, चुपके से आया और पूरी दुनिया को घुटने पर टिका दिया। इंसानों को बचाने के लिए शुरू हुई थी रिसर्च। वायरसों पर रिसर्च करने वाले इस मिशन का नाम था प्रेडिक्ट। इसकी फंडिंग कर रही थी यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट मिशन के तहत चल रहे प्रोजेक्ट का मकसद था पूरी दुनिया में ऐसा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क बनाना जिससे इंसानियत को वायरसों के हमले से बचाया जा सके। कोरोना वायरस का गोरिल्ला वॉर। लेकिन जब कोरोना वायरस COVID-19 या SARS CoV-2 ने घात लगाकर किसी मानवीय तरीके यानी गोरिल्ला युद्ध की तरह इंसानों पर हमला किया तो पूरी दुनिया इसके लिए तैयार नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि आज दुनिया में 12.52 लाख से ज्यादा लोग बीमार हैं, वहीं करीब 70,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अपनी खामियों के चलते वायरस से हार गया इंसान। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वायरस रिसर्च सेंटर के एसोसिएट डायरेक्टर माइकल बजमियर ने कहा कि मछली के जाल में जिस तरह छेद होता है उसी तरह इस मिशन में कई खामियां थी। गैप्स थे, पैसे की कमी थी, मानव संसाधन भी कम था। इन सब की वजह से जितनी शिद्दत से हम सभी को काम करना चाहिए था हम नहीं कर पाए। रिसर्च बंद होते ही कर दिया कोरोना ने हमला। माइकल बजमियर ने बताया कि दिसंबर 2019 में चीन में कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था। वहीं उससे 3 महीने पहले अमेरिकी सरकार ने प्रेडिक्ट मिशन की फंडिंग बंद कर दी थी। सरकार ने कहा कि इस मिशन को लेकर हमारे पास कुछ और प्लान है। मानव अस्तित्व को खत्म करने वाले 6 लाख वायरस हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि दुनिया में इस समय 6 लाख से ज्यादा वायरस हैं जो जानवरों में पाए जाते हैं, लेकिन ये इंसानों में आ सकते हैं और पूरी मानव जाति को ही खत्म कर सकते हैं अगर इंसान जंगली जानवरों से नजदीकी खत्म नहीं करेगा। सबसे ज्यादा खतरनाक वायरस चमगादड़, चूहे और बंदरों में पाए जाते हैं। इन पर हजारों रिसर्च भी हुई है। इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक है चमगादड़ और चूहे की प्रजाति। 2007 में ही हांगकांग के वैज्ञानिकों ने दी थी चेतावनी। वैज्ञानिकों को पहले से ही पता था कि सार्स और कोरोना वायरस एक खतरनाक रूप ले सकता है। 2002 में चीन में सार्स आया, इसके बाद इसने दुनिया के 30 देशों को अपनी चपेट में लिया, और 2019 में कोरोना जिसने अब तक हजारों लोगों की जान ले ली है। कोरोना को लेकर 2007 में हांगकांग के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च पेपर लिखा था, कोरोना वायरस एक टाइम बम है, कभी भी फट सकता है। तो क्या कोरोना इंस्टीट्यूट से निकला है? प्रेडिक्ट मिशन का हिस्सा रही गैर सरकारी संस्थान इको हेल्थ एलायंस के केविन ओलिवल ने बताया कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने चमगादड़ों में कोरोना वायरस की विभिन्न प्रजातियां पाई थी। इनमें से कोरोना वायरस के कुछ प्रकार पर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी प्रयोग चल रहे थे। अब ये नहीं पता कि ये वायरस वहीं से लीक हुआ या किसी और तरीके से बाहर निकला। तो वेपन नहीं, वायरस ही है कोरोना। केविन ओलिवल ने बताया कि ये तो पक्का है कि कोरोना वायरस COVID-19 जानवर के जरिए ही इंसानों में आया। वैसे भी दक्षिणी चीन में वुहान समेत कई शहर हैं जहां जंगली जीव जंतुओं को लोग खाते हैं, ऐसे में इन खतरनाक वायरसों के इंसान में आने की आशंका बनी रहती है। रिसर्च पर 200 मिलियन बीमारी पर 2 ट्रिलियन का खर्च। अमेरिका की डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी यानी DARPA के महामारी विशेषज्ञ रोहित चिताले ने बताया कि COVID-19 को रोकने के लिए दुनिया ने कोई प्रयास नहीं किया। लोगों का ध्यान बीमारी को ठीक करने में रहता है, उसे पहले ही रोकने में नहीं। रोहित का कहना है कि रिसर्च के लिए पिछले 10 साल में सिर्फ $200 बिलियन मिले, जबकि अब जब कोरोना वायरस फैल गया है तो अमेरिका की सरकार ने $2 ट्रिलियन दिए आपातकालीन राहत कोष के लिए। नए सिरे से शुरू की जाएगी रिसर्च। केविन ओलिवल ने बताया कि अब अमेरिकी सरकार इस बात की तैयारी कर रही है कि नया प्रोग्राम शुरू किया जाए जिसका नाम होगा स्टॉप स्पिल ओवर यानी वायरस कहीं से भी लिखना। लेकिन इसके बारे में ये नहीं बताया कि ये प्रोग्राम कितना बड़ा होगा। जॉन हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के निदेशक
थॉमस इंग्लेस्बी ने बताया कि भविष्य में हमारा ध्यान ऐसे वायरसों के सर्विलांस पर होना चाहिए, प्रेडिक्ट जैसे मिशन को सही तरीके से चलाने की जरूरत है। सभी देशों के एक साथ आकर ऐसी बीमारी और वायरसों से लड़ने की जरूरत है, उनके हमले से पहले उन्हें रोकने की जरूरत है।